केंद्र में बीजेपी नीत एनडीए सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश वाला हूं, उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और उत्तर प्रदेश का सांसद होने के नाते आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करने का मेरा स्वाभाविक मन करता है। मैंने लाल किले से कहा था, मैं प्रधान सेवक के रूप में 125 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का निरंतर प्रयास करता रहूंगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार बने दो साल पूरे हो चुके हैं। हमारे दो सालों के कार्यकाल में देश की जनता अच्छे से जानती है कि हम जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को समझते हैं। आज दो साल पूरे होने के बाद पीएम सरकार के कामकाज का लेखाजोखा आपको देने आए हैं। इससे पहले जो भी सरकार रही वह जनता को कामकाज का लेखाजोखा देने में कतराती रही है। पीएम ने भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने में सफलता हासिल की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नेहरू गांधी परिवार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा, किसी वजह से गत लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की जीत का अंतर 80% तक कम हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के तट पर भारतीय मछुआरों की हत्या के एक और आरोपी इटालियन मरीन को स्वदेश लौटने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने उसके लिए शर्त भी रखी है। इसके तहत 2014 में एक आरोपी इटली वापस लौटा था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई आरोपी की याचिका का समर्थन किया था और कहा था कि उसकी गिरफ्तारी को 4 साल हो चुके हैं, मानवता के आधार पर उसे स्वदेश जाने की इजाजत दी जानी चाहिए। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन पर एक बार फिर हमला बोला और उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें तत्काल इस पद से बर्खास्त करने की मांग की। स्वामी ने आरोप लगाया कि राजन ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर लघु और मझौले उद्योगों को नुकसान पहुंचाया। स्वामी ने कहा कि गवर्नर को ब्याज दर बढ़ाने और उसे ऊंचा रखने के नतीजों के बारे में समझना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उनकी यह नीति जानबूझकर थी, इसके पीछे मंशा राष्ट्र विरोधी थी। कांगो में भारतीयों की कई दुकानें जला देने के बाद आज भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने इसको संभावित तौर पर भारत में एक कांगो छात्र की हत्या के फलस्वरूप हुई प्रतिक्रिया करार दिया है। उनका कहना है कि इस हत्या से गुस्साए लोगों ने इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस हमले में कई भारतीयों को चोट आई है। रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम के निदेशक के रूप में अपने 18 महीने के कार्यकाल को अपनी जिंदगी का सबसे अधिक यादगार दौर करार देते हैं, लेकिन वह इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं कि क्या वह अपने अनुबंध का नवीनीकरण चाहते हैं। शास्त्री से जब भारतीय टीम के साथ उनके कार्यकाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मैंने भारतीय क्रिकेट के साथ खिलाड़ी और फिर टीम के निदेशक के रूप में जो समय बिताया उनमें से ये 18 महीने सर्वश्रेष्ठ रहे। अगर आप भी अपना आरक्षित रेल टिकट कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आप आज से 139 डायल कर या IRCTC की वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर पाएंगे। रद्द हुए टिकट की राशि काउंटर से ही मिलेगी। जैसे ही ग्राहक 139 डायल करेगा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव उससे PNR और ट्रेन नंबर पूछेंगे। इसके बाद आपको वन टाइम पासवर्ड दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव को आप जैसे ही OTP नंबर बताएंगे आपका आरक्षित टिकट स्वतः रद्द हो जाएगा। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से फोन कनेक्शन को लेकर आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ खड़से ने अब खुद मामले की जांच शुरू कर दी है। मंत्री ने अपने करीबी MLC गुरुमुख जगवानी को जांच का जिम्मा सौंपा है। जगवानी उस पाकिस्तानी नंबर की जांच करेंगे जिसे दाऊद के घर का बताया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के पीपली के पास हरियाणा रोडवेज की चलती बस में जोरदार धमाका होने से 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये बस सोनीपत से चंडीगढ़ जा रही थी। रास्ते में पीपली के पास इसमें जोरदार धमाका हुआ।